लगातार टारगेट किलिंग्स जो कश्मीर के अंदर की जा रही थी, अब उसके बाद कश्मीर घाटी की अगर बात करो तो अब अलर्ट जो है वो कैंप्स के लिए और साथ में जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको निशाना बनाने की फिराक में अब आतंकवादी संगठन जो है वो है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त जो मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूं, ये मैसेज सुनकर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो ऑलरेडी वो तो अलर्ट पर है ही, लेकिन ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो हमारे एजेंसीज के लिए भी है, क्योंकि कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के बाद अब टारगेट जो है वो हमारी सिक्योरिटी कैंप्स जो है उसको करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसने आतंकी संगठनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और ये कहा गया है कि उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं कि कश्मीर में सिक्योरिटी कैंप पोस्ट जो है उस पर हमला किया जाए। इसे देखते हुए तमाम सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इनके बाहर मोबाइल बंकर समेत बुलेट प्रूफ वाहन तैनात किए गए हैं। दरअसल बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिले में LOC पर बर्फ पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में बर्फ पड़ने से पहले बड़े स्तर पर आतंकियों की घुसपैठ कराकर भेजने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो काफी तादाद में आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ जो है वो भी की है। कश्मीर में एक महीने तक पहाड़ों पर बर्फ पड़ी रहेगी, इसके बाद आतंकियों के लिए घुसपैठ करना जो है वो मुश्किल होता है। इसी तरह दिसंबर से मार्च तक आतंकी घुसपैठ जो है वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसके पहले आतंकियों ने घुसपैठ जो है वो करना शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में आतंकी संगठन हाई ब्रिड आतंकियों की मदद से सिक्योरिटी कैंप, पुलिस पोस्ट, अन्य सुरक्षा बलों की पोस्ट आदि पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। ISI ने आतंकी संगठनों पर दबाव बनाया है कि वह इसे ऐसे हमले जो है वो करे। सूत्रों का कहना है कि POK में मौजूद लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और RTF संगठन के हैंडलरों ने ISI ने हमले करने के लिए जो है वो कहा है। इस समय कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की जगह RTF सक्रिय है, इससे हाइब्रिड आतंकी शामिल हैं। इनकी मदद से पहले आम नागरिकों की टारगेट किलिंग्स जो थी वो करवाई गई, अब इन्हीं की मदद से सिक्योरिटी कैंप और पोस्ट पर हमला कराने की साजिश जो है वो रची जा रही है। तो साफ तौर पर पिक्चर क्लियर है, जिसमें अब निशाना आम लोग नहीं यानी कि सिविलियंस नहीं होंगे, अब सिक्योरिटी कैंप्स होंगे, सिक्योरिटी पोस्ट जो रहेंगी उन्हें बनाया जाएगा, यानी कि अब ISI पाकिस्तान में बैठा हुआ वो जो निशाना है हमारी डिफेंस फोर्सेस को बनाना चाहता है। लेकिन हमारी फोर्सेस ऑलरेडी सक्षम है और इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि नापाक हरकत करने से सुधरता नहीं है, बार बार सामने आता है और अपनी नापाक चालों से जो है कहीं ना कहीं संतुलन बिगाड़ने की कोशिश जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करता रहता है। एक बार फिर से यहां ISI ने तमाम जितने भी आतंकी संगठन है जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें ये कहा है, उनको ऑर्डर दिया है कि अब निशाना जो है सिक्योरिटी कैंप्स और सिक्योरिटी पोस्ट जो है उन्हें बनाना होगा। लेकिन अब एजेंसी जो है अलर्ट है, सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है, अब किस तरीके से जो घुसपैठ है उस पर लगाम लगाई जाती है और किस तरीके से हमारी एजेंसी जो है ISI को जवाब देती है, ये दुखने जगह बात रहेगी। बाकी तुम्हारे इसके लिए बढ़े रहिए बाहू एक्सप्रेस पर, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।